Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसडी कैंपस आगरा पर। हम परसेंटेज में ज़्यादातर सभी टाइपों को कवर कर चुके हैं। पुरानी क्लासों में हमने परसेंटेज के जो इम्पोर्टेंट टाइप है उन सभी को स्टडी कर लिया है। आज की क्लास में परसेंटेज का जो बचा हुआ एक और टाइप है उसको हम स्टडी करेंगे। तो इस टाइप में क्या है कि इस टाइप में आपसे पास एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम में कोई भी विद्यार्थी अपीयर होता है तो पास होता है, फेल होता है, उसके अलावा उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे और उन पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चनों में देखो क्या होता है, पहले एक छोटी सी दो चार बात समझ लेंगे। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चनों में क्या होता है, देखो कोई भी एग्जाम होता है, उस एग्जाम में कुछ मार्क्स का होता है, मार्क्स फिक्स होते हैं और उस एग्जाम में स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, दो चार जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर होते हैं किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहले होता है एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स, एग्जाम के सबसे पहले होते हैं मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम हिंदी में बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स को कहते हैं पूर्णांक, और अगर हम इसकी परसेंटेज में बात करें तो मैक्सिमम मान अपने आप में 100% होते हैं। 100% अगर कोई विद्यार्थी प्राप्त करता है इसका मतलब जितने का पूर्णांक है, अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो इसको कहेंगे पूर्णांक। एग्जाम का जो पूर्णांक है वो जितने का है उतने को हम कहेंगे 100% मार्क। जैसे मान के चलो अगर हम 10th की बात करें तो जैसे 500 का, 12th की बात करें तो 500 मार्क्स होते हैं। तो अगर एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स मान के चलो 500 है, मैंने लेट कर लिया, तो ये जो 500 है ये परसेंटेज में 100% का मान होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि परसेंटेज में कोई भी वैल्यू, मैक्सिमम मान या पूरी जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो यहां पर इन क्वेश्चनों में जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, जो पूर्णांक होता है, वो 100% के बराबर होता है। इसके बाद कोई भी विद्यार्थी उसमें कितने प्रतिशत प्राप्त करता है ये स्टूडेंट पर रिलेट करता है कि विद्यार्थी कितने परसेंट प्राप्त करता है उस एग्जाम के अंदर। जैसे मान के चलो एक विद्यार्थी ने इसमें मान के चलो 300 अंक प्राप्त किए, एक स्टूडेंट ने इसमें 300 अंक प्राप्त किए, 300 मार्क्स प्राप्त किए, तो अगर हम निकालें कि उसने कितने प्रतिशत मार्क प्राप्त किए, अगर आप निकालेंगे कि उसने कितने प्रतिशत मार्क प्राप्त किए तो कैसे निकालेंगे कि उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए। हमने परसेंटेज में पढ़ा है कि जो वैल्यू हमें निकालनी होती है उसका रेशियो हमेशा ऊपर आता है और उस वैल्यू को किस पर कैलकुलेट करते हैं वो वैल्यू हमेशा नीचे आती है। तो जब कभी भी किसी भी विद्यार्थी को मार्क्स जो प्राप्त होते हैं वो पूर्णांक में से प्राप्त होते हैं, तो यहां पर किसी भी विद्यार्थी के अगर प्रतिशत अंक निकालेंगे तो वो हमेशा पूर्णांक पर निकाले जाएंगे। इस बात का प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 300 अंक को जो कैलकुलेट किया जाएगा, इस 300 अंक को 500 पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक विद्यार्थी ने अगर 300 अंक प्राप्त किए, कितने में से किए, वो वैल्यू नीचे आएगी 500 में से। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इस विद्यार्थी ने 60% अंक प्राप्त किए। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हमने यहां पर समझने वाली बात पे ध्यान देना है, मैक्सिमम मार्क्स जो पूर्णांक होते हैं वो 100% के बराबर होता है। पूर्णांक एग्जाम का कितना है, मान के चलो 500 है, तो ये 100% का मान होगा। ये जो 500 ना, ये 100% का मान होगा। मैंने मान लिया कि एक कैंडिडेट है, मान के चलो ए, उसने एक परीक्षा में 300 अंक प्राप्त किए, तो उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि उस विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कितने अंक प्राप्त किए वो वैल्यू ऊपर, और कितने में से प्राप्त किए 500 में से वो वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई 100, तो 60% क्या आ जाएगा उस विद्यार्थी का, परसेंटेज में उसने कितने अंक प्राप्त किए ये आ जाएगा। उसके अलावा और क्या होता है, एक चीज ये पूर्णांक समझ में आ गया, किसी भी विद्यार्थी के परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालने ये समझ में आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान के चलो किसी भी परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैक्सिमम मार्क्स मान के चलो 600 हैं और विद्यार्थी ने प्राप्त किए, अगर विद्यार्थी ने, एक विद्यार्थी ने मार्क्स प्राप्त किए मान के चलो 400, आप निकालें कि इसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। तो इसके जब आप परसेंटेज मार्क्स निकालेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो वो आप ऐसे निकालेंगे कितने अंक प्राप्त किए हैं वो ऊपर, कितने में से प्राप्त किए वो नीचे, और मल्टीप्लाई 100। तो यहां से परसेंटेज मार्क्स इसके निकल के आ जाएंगे 200/3। तो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 66.3% अंक इसने प्राप्त किए। तो देखो बात को बिल्कुल ये कॉपी करने वाली चीज नहीं है, बस समझने वाली चीज है, मैं बस आपको समझा रहा हूं, बस समझ लें। एक आपको शुरू करने से पहले सारी चीजें समझा रहा हूं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों से सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज मार्क्स, ये बात समझ में आ गई। उसके अलावा किसी भी परीक्षा का एक उत्तीर्णांक होता है, किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम की अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन देखो ऐसे होती है प्यारे विद्यार्थियों कि एक तो 0% मार्क होते हैं, मतलब कोई विद्यार्थी ने एक भी अंक नहीं लिया तो वो इस बार लाइन पे यहां पर कैरी करेगा, मैंने मान लिया। और ये होता है मैक्सिमम, लाइन कहां तक जा रही है, ये होते हैं मैक्सिमम मार्क्स। परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें और परीक्षा में मिनिमम मार्क्स की परसेंटेज में बात करें, तो परीक्षा में मिनिमम मार्क्स परसेंटेज में होंगे 0% और मैक्सिमम मान होंगे 100%। इसका मतलब अगर एक विद्यार्थी 100% अंक प्राप्त करता है तो वो इस जगह पर कैरी करेगा बिल्कुल लास्ट में जाके, और एक विद्यार्थी 0% अंक प्राप्त करता है तो वो बिल्कुल शुरू में कैरी करेगा। फिर उसके बाद इसमें एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क्स। अगर हम उसकी बात करें तो वो चीज क्या है, उसे हम कहते हैं उत्तीर्णांक, पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स किसी भी परीक्षा में फिक्स होते हैं, तो पासिंग मार्क्स ये चीज आ जाती है, हमेशा बीच में रहती है, ना इससे इधर जा सकती ना इससे ऊपर जा सकती, वो हमेशा मिडिल में रहेगी। जैसे मान के चलो परीक्षा में पासिंग मार्क्स 40% है, उसने क्वेश्चन में हमें दिया है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक 40%, मतलब परीक्षा पास करने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया उत्तीर्णांक, उस परीक्षा का उत्तीर्णांक, या हम कह सकते हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो पासिंग मार्क्स होंगे मान के चलो, मैंने अपनी तरफ से मान लिया 40%। तो इसका मतलब क्या है कि परीक्षा में 0% प्राप्त करने वाला विद्यार्थी यहां रहेगा, 100% वाला पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करेगा, और जो 40% प्राप्त करेगा वो पास हो पाएगा, और जो 40% से आगे, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, जो 40% से नीचे, मेरे कहने का मतलब इस जगह से इस जगह के बीच में जिसके अंक होंगे प्यारे विद्यार्थियों, वो होंगे फेल वाले कैंडिडेट, जिन्होंने अंक तो लिए लेकिन फेल हो जाएंगे। लेकिन जिनके अंक पासिंग मार्क्स से ज्यादा होंगे और 100% से नीचे होंगे, वो होंगे पास वाले विद्यार्थी, कि इस परीक्षा में कितने विद्यार्थी जो है पास हुए। तो इसका मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी 40% से अधिक अंक प्राप्त करेगा वो पास हो जाएगा, जो विद्यार्थी 40% से कम अंक प्राप्त करेगा वो फेल हो जाएगा, 0% वाला स्टार्टिंग में रह जाएगा, 100% वाला पूरे में से पूरे प्राप्त कर लेगा, और फिक्स 40% वाला मात्र पास हो पाएगा, केवल पास हो पाएगा, उसके अंक न तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा होंगे न पासिंग मार्क्स से कम होंगे। तो ये एक चीज ये हमारे लिए समझने वाली है जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करने वाली है। एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स 100% होते हैं, मिनिमम मार्क्स 0% होते हैं, पासिंग मार्क्स उसने आपको दिया होगा 40%, मैंने फिक्स नहीं किया है, मैंने माना है कि 40% पासिंग मार्क्स अगर होंगे तो वो वैल्यू यहां होगी, 30% भी हो सकता है, 33% भी हो सकता है, पासिंग मार्क्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके अलावा पूर्णांक 100% होता है, कितने हैं मैक्सिमम मार्क्स वो 100% के बराबर होगा, एक किसी ने उसमें से कितने अंक प्राप्त किए उसका परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने पर 300 जितने अंक प्राप्त किए वो ऊपर, कितने में से प्राप्त किए मतलब पूर्णांक नीचे, हमेशा पूर्णांक नीचे रहेगा और हमेशा जिसने प्राप्त किए हैं वो ऊपर रहेंगे, मल्टीप्लाई 100 तो परसेंटेज बन जाएगा। इस ठीक इसी प्रकार अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन मान निकालेंगे, जैसे एक विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए, इसका फ्रैक्शन मान 2/5, तो ये जो रेशियो आएगा इसमें नीचे तो आएंगे मैक्सिमम मार्क्स परीक्षा के कितने और ऊपर आएंगे उस विद्यार्थी ने कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए, सेम वही चीज है। तो जब कभी भी हम किसी भी विद्यार्थी का परसेंटेज मार्क्स हमें किसी परीक्षा में दिए हो उसकी फ्रैक्शन मान जब हम बनाएंगे तो हमेशा नीचे जो है मैक्सिमम मान का वैल्यू आएगी और ऊपर उस विद्यार्थी ने कितना रेशियो प्राप्त किए वो। इसका मतलब ये है कि 5 पूर्णांक है, विद्यार्थी ने 2 रेशियो प्राप्त किए हैं, तो ये वाली चीज है वो जो यहां पर देखो यहां पर दिख रही होगी आपको। परसेंटेज मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने मार्क्स प्राप्त किए वो ऊपर और
पूर्णांक हमेशा नीचे। तो बस ये बात सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एक ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए और एक ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर दो बात समझ में आ गई होंगी तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अब चलते हैं कंसेप्ट के बाद आज की क्लास के क्वेश्चनों पर। तो देखेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बेटा पढ़ेंगे समझेंगे। देखो बोर्ड पे आपको दिखने लग गया होगा, पहला क्वेश्चन समझेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन एसएससी बैंक के एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं, एसएससी बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम हो भाई, ये आते ही आते हैं। आज का टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में, जीडी तक के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। कॉन्स्टेबल जीडी का पेपर जो एसएससी के थ्रू होता है या उसके अलावा अदर स्टेट वाइज होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अमित ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए, बेटा ये है टाइपिंग मिस्टेक है, 30% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि संदीप 40% अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त ज्ञात करें, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, ये उसने हमसे पूछा है। देखो जो पूछा है उस चीज को ध्यान से पढ़ना है। तो क्या पूछा है, न्यूनतम तीन अंक, मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, ये हमसे पूछा है। उसके अलावा दिया क्या क्या है, परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए हैं तो वो 10 अंक से फेल हो गया है, जबकि संदीप ने 40% अंक प्राप्त किए तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। अब देखना, मैंने आपको अभी बताया था, जब मैं नीचे आपको समझा रहा था कंसेप्ट में समझा रहा था चीजें, तब मैंने आपको बताई थी कि इस लाइन का बहुत यूज होने वाला है। तो देखो कैसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन समझेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन समझेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो सब पहले मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, फिर उसके बाद आपको शॉर्ट से शॉर्ट करेंगे, वो मैं आपको इसी प्रकार का जब आगे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आएगा उसमें आपको शॉर्ट से शॉर्ट बताऊंगा। पहले धीरे धीरे सारी चीजों को बिल्कुल समझ लें, माइंड में बिठा लें, बिल्कुल माइंड में बिठा लें। तो देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल धीरे धीरे आराम से समझाऊंगा मैं। एक अमित ने 30% अंक प्राप्त किए, तो सबसे पहले मैंने जो अभी लाइन आपको बताई थी वो लाइन बना लेता हूं कि भाई परीक्षा में होता क्या है। परीक्षा में होता यह है कि 100% अंक मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, हमें यह पता है, अभी पीछे हमने पढ़ा है। उसके अलावा 0% मार्क्स प्यारे विद्यार्थियों मिनिमम मार्क्स होते हैं, ये हमने अभी पीछे पढ़ा है, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। उसके अलावा एक उत्तीर्णांक होता है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि भाई उत्तीर्णांक यहां है, मुझे नहीं पता कितना परसेंट है, ये बात मुझे पता नहीं है, इसमें दिया नहीं कितना परसेंट उत्तीर्णांक, मतलब इस क्वेश्चन में कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि 40% परीक्षा का उत्तीर्णांक है या पास होने के लिए 30% अंक चाहिए, ऐसा इस क्वेश्चन में कहीं भी कहा है, आप पढ़ के देख लो, कहीं भी नहीं दिया। इसका मतलब उत्तीर्णांक हमें पता नहीं है कितना है, इसका मतलब पासिंग मार्क्स को मैं यहां पर पी मान लेता हूं कि इस जगह पर होगा। ठीक है, मैंने पॉइंट को लेट कर लिया। अब उसके बाद अब देखते हैं कौन है, एक अमित है और एक संदीप है। अमित ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया, 10 अंकों से फेल हो गया, 10 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब फेल होने वाले विद्यार्थी बेटा कहां रहते हैं, अभी पीछे समझाया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, फेल होने वाले विद्यार्थी पासिंग मार्क्स से पीछे रहेंगे, मतलब यहां रहेगा, मतलब अमित की पोजीशन इस लाइन में पासिंग मार्क्स से पीछे रहेगी, पासिंग मार्क्स से पीछे रहेगी। तो मुझे मान लेता हूं कि अमित जो है उसने 30% अंक प्राप्त की और फेल हो गया, तो इसका मतलब इसके पीछे होगा। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि अमित की पोजीशन ये है और इसने प्राप्त कितनी की है प्यारे विद्यार्थियों, 30%। देखो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, 30% अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गया। देखो आपने देखो सिंपल भाषा में समझना, बिल्कुल अपने ऊपर लागू करके समझना, अगर मैं किसी परीक्षा में 20 अंकों से फेल हो जाता हूं तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि मेरे अंक पास होने के लिए जितने अंक चाहिए उससे 20 अंक कम है, यही वाली बात है कि नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं किसी परीक्षा में, ऐसे कहते हैं विद्यार्थी कि सर बस एक नंबर से रह गया, उस एक नंबर से रहने का मतलब क्या है कि पास होने के लिए जो मेरिट गई है उससे उसका एक नंबर कम है, एक नंबर कम है, यही वाली बात है कि नहीं। उसी चीज को यहां पर लागू करो, अमित ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, 10 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब अमित के अंक पास होने के लिए प्राप्त अंकों से 10 अंक कम है, यही वाली बात तो हो गई।
इसका मतलब क्या है कि जो अमित की पोजीशन है, जो अमित की पोजीशन है वो पासिंग मार्क्स से जो पीछे है यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक की अगर हम बात करें यही तो गैप है जिससे ये फेल हुआ है। मतलब अगर यहां से लेके यहां तक की बात करें, अमित ने 30% से प्राप्त कर लिए, मतलब 30% अंक तो इसने प्राप्त कर लिए, अब इसको पास होने के लिए यहां से यही तो आना पड़ेगा, और यहां से यहां आने के लिए कितने अंक चाहिए, 10 मार्क्स। उसने अभी उसमें कहा है, क्वेश्चन में कहा है, देख लो कि 10 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अमित ने 10 अंक और प्राप्त कर लिए होते तो अमित की पोजीशन यहां नहीं होती, अमित यहां होता, मतलब पास हो जाता। अगर अमित ने 10 अंक और प्राप्त कर लिए होते तो अमित फेल नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, पास हो जाता। पास होने का मतलब अमित की पोजीशन यहां हो जाती, ठीक है, क्लियर है बात। यह बात समझ में आई यहां तक, बिल्कुल क्लियर समझ में आई है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे आगे। जबकि संदीप 40% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 15 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, इसका मतलब ये पास हो गया। संदीप पास हो गया लेकिन पास होने से भी ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए, इसका मतलब संदीप की पोजीशन कहां है? तो संदीप की पोजीशन को अगर हम देखें तो संदीप की पोजीशन पासिंग मार्क से आगे है, तो मैं मान लेता हूं कि संदीप की पोजीशन यहां है। बिल्कुल बात को ध्यान से समझना, संदीप की पोजीशन मैंने लेट कर ली भाई यहां है, और इसने कितने परसेंट प्राप्त किए अंक? 40% अंक प्राप्त किए। उसके बाद न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 15 अंक अधिक हैं, इसका मतलब न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कौन सा है? ये पासिंग मार्क्स का ये है, इसका मतलब इससे इसके 15 अंक ज्यादा हैं। तो ये वाला जो 15 अंक है ये कहां से कहां तक की वैल्यू होगी? तो आप कहेंगे सर इसके पासिंग मार्क्स से और यहां तक की वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू होगी कितने मार्क्स के बराबर? 15 मार्क्स के बराबर। बिल्कुल बात को बारीकी से समझना, इसका मतलब यह है कि यहां पर अमित ने 30% अंक प्राप्त किए। अब बिल्कुल क्लियर हो गया, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात करना है, मतलब हमें पासिंग मार्क्स बताने कितने होंगे। अब पासिंग मार्क्स हमें बताने हैं कितने होंगे, तो देखो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें यहां से पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा हमें यहां से? यह पता चल जाएगा कि अमित ने 30% अंक प्राप्त किए और संदीप ने 40% अंक प्राप्त किए, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की परसेंटेज में वैल्यू कितनी है? तो 30% यहां है, 40% यहां कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में परसेंटेज में मान कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 40 में से 30 को घटा दो, 10%, और इस 10% की वैल्यू कितने मार्क्स के बराबर है? तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट से पासिंग मार्क्स तक तो 10 मार्क्स चाहिए, और पासिंग मार्क्स से इस पॉइंट तक जाने के लिए 15 मार्क्स चाहिए, मतलब इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? तो आप कहेंगे सर 10 मार्क्स यहां तक चाहिए प्लस 15 मार्क्स यहां तक चाहिए, तो 10% की वैल्यू, 10% की इस परीक्षा में वैल्यू 25 मार्क्स के बराबर है। इसका मतलब एक विद्यार्थी अगर 10% अंक प्राप्त करता है तो उसको 25 अंक चाहिए, बस ये वाली बात हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब उसने उत्तीर्ण अंक पूछा है, तो 10% का मान 25 है, तो मैं 30% का मान निकाल लूं, मतलब अमित के अंक निकाल लूं और उसमें 10 जोड़ दूं तो उत्तीर्ण अंक आ जाएगा, या मैं 40% का मान निकाल लूं तो संदीप के अंक आ जाएंगे, उसमें से 15 घटा दूं तो उत्तीर्ण अंक आ जाएगा, जो आपको उचित लगे उससे निकाल लें। तो मैं संदीप से निकाल लेता हूं, तो पहले अमित के अंक निकाल लें, तो अमित ने कितने परसेंट प्राप्त किए हैं प्यारे विद्यार्थियों? 30%, तो 10% की वैल्यू 25 है, तो 30% की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी इसका मतलब 25 तिया कितने हो जाएंगे? 75 मार्क्स। जो मैं बोल रहा हूं उस चीज पे ध्यान देंगे, ये 75 कैसे आए इसके मार्क्स? 10% का मान 25 है और अमित के लिए 30% निकालना है, तो 75, और अमित के अंक उत्तीर्ण अंक से 10 अंक कम है, इसका मतलब हमें इसने क्या पूछा है? उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए? इसका मतलब 10 अंक अगर अमित के ज्यादा होते तो ये उत्तीर्ण हो जाता, तो इसका मतलब 10 अंक अगर इसके ज्यादा होते तो ये उत्तीर्ण हो जाता, तो 75 + 10 = उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए? 85 मार्क्स चाहिए। आंसर कौन सा है बेटा? तो आंसर देखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 85%, ठीक है। उसके अलावा मैं जो दूसरा तरीका बता रहा था उससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, संदीप के मार्क्स निकाल लो कितने हैं? 40%, तो 10% का मान 25, तो 40% का कितना हो जाएगा इसका? 4 गुना हो जाएगा, 25 × 100, 100 अंक हो जाएंगे इसके संदीप के, लेकिन संदीप के अंक पासिंग मार्क्स से 15 ज्यादा है, मतलब संदीप के अंकों में से अगर 15 घटा दें तो इस पासिंग मार्क्स की वैल्यू आ जाएगी, तो 100 में से माइनस करेंगे 15, तो 85 पासिंग मार्क्स, देखो 85 ही आ रहे हैं, दोनों से सेम आएंगे, तो आंसर आ गया हमारा 85, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसे करना है, लेकिन एग्जाम में इसको कैसे अप्रोच करना है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, कि एक विद्यार्थी फेल हो रहा हो और दूसरा विद्यार्थी पास हो रहा हो, इसके लिए मैं आपको
एक शॉर्ट कंसेप्ट बता देता हूं जिससे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बताना, फिर आप कहेंगे सर ये बताना क्यों जरूरी था, ये बताना इसलिए जरूरी था कि भाई आपके जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप फंस जाएंगे। तो यहां पर बस आपको ये ध्यान रखना है, देखो एक चीज यहां पर ध्यान रखना, अगर आप इसको जल्दी करेंगे शॉर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि एक विद्यार्थी अगर पास हुआ है और दूसरा विद्यार्थी अगर फेल हुआ है, इनके परसेंटेज आपको दोनों के दिए होंगे। फेल वाले का भी परसेंटेज दिया होगा मान के चलो एक्स परसेंट अंक प्राप्त किए, पास वाले का भी परसेंट दिया होगा मान के चलो इसने वाई परसेंट अंक प्राप्त किए, ठीक है। उसके बाद इनके मार्क्स जो पासिंग मार्क्स है उससे कम या ज्यादा दिए होंगे, जैसे यहां पर दिए 10 अंक कम और 15 अंक अधिक, उस केस में इनके जो है जैसे इसके तो 10 अंक जो है वो कम रह गए पासिंग मार्क्स से और इसके जो है 15 अंक ज्यादा रह गए, 15 अंक ज्यादा ले आया है। तो इस केस में क्या करना है आपको, परसेंटेज का तो हमेशा डिफरेंस लेना है और इन मार्क्सों को हमेशा जोड़ देना है, दोनों वैल्यूज को बराबर कर देना है। जैसे यहां पर अगर मैं करूंगा क्वेश्चन को तो कैसे करूंगा, 30% दिए हैं 40% दिए, इन दोनों का अंतर लूंगा कितना आ गया 10%, और 10% की वैल्यू दोनों अंकों को जोड़ दूंगा, 15 अंक और कितने 10, तो 15 और 10 कितना हो गया 25, 10% का मान हो गया, 30% का मान निकालेंगे तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75। अब उसके बाद जो 30% मान है ये पासिंग मार्क्स से 10 कम है, इसका मतलब इसमें 10 और जोड़ देंगे तो पासिंग मार्क्स कितने हो जाएंगे 85। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आया तो क्या करना है, परसेंटेज का डिफरेंस लेकर मार्क्सों को जोड़कर बराबर कर देना है। तो वहां से आपके पास, आप चाहें तो पूर्णांक भी निकाल सकते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूर्णांक पूछा जाए तो पूर्णांक होता है 100%, तो 10% का मान कितना है 25, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 10 × 25 × 10 तो कितना हो जाएगा 250। इस परीक्षा का पूर्णांक 250 होगा। देखो क्लेरिफिकेशन बता देता हूं, इस परीक्षा का जो पूर्णांक है ना वो 250 होगा। बिल्कुल इस एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीजें समझा दूंगा, आगे के क्वेश्चनों में फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर हम बहुत जल्दी जल्दी चलेंगे। इस परीक्षा का क्या परिणाम होगा, 30 और 40 का अंतर, एग्जाम में ऐसे अप्रोच करना है सीधा सीधा, 10% की वैल्यू 25 हो जाएगी, पूर्णांक कितना हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन में हमसे उसने पूर्णांक पूछा होता तो 100% का मान निकालते तो कितना हो जाता 250 इस परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद इसमें दो है, एक अमित है और एक संदीप है, बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है इस एग्जाम में क्या हो रहा है। अमित ने कितने परसेंट प्राप्त किए 30%, तो 10% का मान ये है तो 30% का मतलब इसने कितने प्राप्त किए 75, ऐसे इसने कितने प्राप्त किए 40% अंक, तो आप चाहें तो 250 का 40% निकाल लो या यहां से निकाल लो, तो 40% अंक कितने हो जाएंगे 4 गुना हो जाएगा, तो 100 अंक संदीप ने प्राप्त किए हैं, 75 इसने, लेकिन उत्तीर्ण अंक पूछा उसने, उत्तीर्ण अंक निकालेंगे तो इसके तो पास हो, ये तो फेल हो गया है, अमित जो है वो फेल हो गया कितने अंक से 10 अंक से, तो यहां पर तो जोड़ना पड़ेगा उत्तीर्ण अंक निकालने के लिए 85, और ये पास हो गया लेकिन 15 अंक इसके ज्यादा है तो 15 अंक इसमें से घटाने पड़ेंगे 85, दोनों को इसमें उत्तीर्ण अंक जो है वो बराबर होगा 85। तो इसमें आपसे पूर्णांक पूछा जा सकता है, उत्तीर्णांक पूछा जा सकता है, दो ही चीजें पूछी जाती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। अब आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब चलते हैं आगे, तो देखेंगे आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, पढ़ेंगे समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पीछे कराया था वही। अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में नहीं बताऊंगा, बिल्कुल फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। एक स्टूडेंट ने 25% अंक प्राप्त किए तथा 38 नंबर से फेल हो गया, दिख गया मुझे, मुझे दिख गया भाई ये एक फेल वाला है, तथा एक दूसरे स्टूडेंट ने 40% अंक प्राप्त किए जो न्यूनतम पास अंक से 7 अंक अधिक थे, इसका मतलब ये मोर वाला ये पास हो गया है, तो अधिकतम अंक, परीक्षा के अधिकतम अंक, परीक्षा के अधिकतम अंक, ये वाली चीज जो है ना परीक्षा के अधिकतम अंक, इसका अंक, इसका मतलब क्या है प्यारे विद्यार्थियों, इसका मतलब है परीक्षा के अधिकतम, उसका मतलब है मतलब मैक्सिमम मार्क्स, मतलब पूर्णांक, अगर हिंदी में बात करें तो पूर्णांक और इंग्लिश में बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स अधिकतम अंक। कैसे करेंगे, 25% और 40% का अंतर, तो 25-40% का अंतर कितना हो गया 15%, एग्जाम में ऐसे करना है बस, 15% की वैल्यू बराबर होगी 38 नंबर और 7 नंबर कितने हो गए 45, तो यहां से 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 15 इधर चला जाएगा 45/15, तो 15 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 3, अधिकतम अंक के लिए कितने परसेंट का निकालेंगे 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 300, इसका मतलब पूर्णांक इस परीक्षा का कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों 300, बस 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, 300 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी।
एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अगर आपको जो मैंने पुराने क्वेश्चन में सारी चीज समझाई वो समझ में आ गई होंगी तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर पाएंगे। हमसे इसने पूर्णांक पूछा था तो 300 आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में इसने हमसे उत्तीर्णांक पूछा होता तो क्या करते, 1% का मान कितना है, 3 है। एक उम्मीदवार के निकाल लो, किसी के 25% वाले के निकाल लो, तो 25% वाले के कितने हो जाएंगे, 75 मार्क्स हो जाएंगे भाई। उसके बाद ये कितने अंक से फेल हो गया, 38 से, तो इसमें 38 जोड़ दो बस उत्तीर्णांक आ जाएगा। तो 8 और 5 13 का 3 हासिल का 1, 113 उत्तीर्णांक आ गया। यहां से भी निकाल सकते हैं 40%, तो 40% का मान कितना हो जाएगा, 120। लेकिन इसके 7 अंक ज्यादा आ गए तो इसमें से 7 घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 113। तो आंसर कितना हो जाएगा उत्तीर्णांक की, अगर दिया होता, अगर इसमें हमसे इसने उत्तीर्णांक पूछा होता मतलब पासिंग मार्क्स पूछे होते तो हम आंसर करते 113। लेकिन इसने पूर्णांक पूछा था तो आंसर हो गया 300, जो ये आ गया। ये तो बहुत ही आसान है, पूर्णांक निकालना तो बहुत ही आसान है। ठीक है, देखेंगे आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हुआ क्या है, एक्चुअली इंग्लिश में फिर यहां पर वाइल एनोदर कैंडिडेट हुई स्कोर 60% मार्क्स, तो यहां पर ये जो है 40% की जगह अगर हम 40% से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आएगा हमारा 1500। देखो समझने वाली बात है, थोड़ी सी टाइपिंग पे मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इस 40 की जगह 60 करके देख लेते हैं, 40 की जगह 60 करके देख लेते हैं, तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके से बता देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 60% से करेंगे तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो सेकंड सॉल्यूशन इंग्लिश के हिसाब से, अगर इसका सॉल्यूशन देखें हिंदी के हिसाब से तो ये हो गया, हिंदी वाली जो लैंग्वेज दी है उससे ये हो गया। इंग्लिश वाली से देखो 60% और 35% का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 25 हो जाएगा, 25% की वैल्यू बराबर होगी, अंक कितने हैं 40 और 35 कितने हो गए 75, 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 25 से 3 बार कट जाएगा 3। पूर्णांक के लिए 100% का मान निकालेंगे तो 100% का मान कितना हो जाएगा 300, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, डी। ठीक है, क्लियर है, ऐसा क्वेश्चन दो करा चुका हूं, ये तीसरा क्वेश्चन था। प्रैक्टिस के लिए तीन तीन क्वेश्चन डाल रहा हूं भाई, कुछ कहीं भी आपको बस डाउट नहीं हो, सारे डाउट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, चलो आज की क्लास का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे भाई, आपको स्क्रीन पर दिखने लग गया होगा, देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। एक परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र निश्चित किए जाते हैं जिनके अधिकतम अंक 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि एक छात्र पहले प्रश्न पत्र में 50%, दूसरे प्रश्न पत्र में 60%, तीसरे में 40% अंक प्राप्त करता है तो परीक्षा में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ये जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, जो मैंने आपको पीछे टाइप भाग वाला कराया था उस पर आधारित क्वेश्चन है, जो इस परीक्षा रिलेटेड क्वेश्चनों में आते हैं, भाग वाला और एक इनिशियल फाइनल वाला, ये दो टाइप ऐसे हैं, ये हर जगह घुस जाएंगे। परसेंटेज का कोई भी टाइप हो, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर टाइप में बन जाता है, कमीशन में भी बन जाता है, हर टाइप में बन जाता है, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब कहीं भी ये रुकेंगे नहीं भाई। मैंने इसीलिए कहा था कि इन दो टाइपों को समझना बहुत ही जरूरी है, ये हर जगह घुसेंगे। तो देखो, जब कभी भी आपको अलग अलग विषयों के पूर्णांकों का रेशियो दिया हो, बात को पहले समझना ध्यान से। देखो, हम भाग वाला टाइप कहां लगाते हैं, जब कई चीजों का जोड़, जैसे एक्सपेंडिचर कितना हुआ प्लस सेविंग्स कितनी हुई, ये वाली वैल्यू बराबर होती है इनकम के। मेरे कहने का मतलब, मैंने जब आपको भाग वाला टाइप पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब कई चीजों का जोड़ एक तीसरी चीज के बराबर होता है, बाकी सभी में परसेंटेज चेंज दिया हो, किसी एक में पूछा हो, तो वहां पर हम इसी टाइप से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर भी आप मुझे ये बताइए कि जैसे सब्जेक्ट होते हैं, एक इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, बात को ध्यान से समझना, ऐसे ही मान के चलो मैथ्स होता है, ऐसे ही मान के चलो रीजनिंग होता है, ऐसे ही मान के चलो जीके होता है, इन सभी में अगर हम टोटल अंकों की बात करें तो इन सभी के जोड़ के बराबर ही तो टोटल मार्क्स होते हैं कि नहीं होते। तो इसका मतलब अगर इनका पूर्णांक बताओ और इनमें परसेंटेज चेंज दिया हो और हमें इसमें पूछा हो या किसी एक में पूछा हो, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कौन से टाइप का प्रयोग करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कंसेप्ट जरूरी होता है बेटा, समझना, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में भी ये तीन विषय हैं, इनके पूर्णांकों का रेशियो दिया है, इनमें प्राप्त अंक परसेंटेज में दिए हैं और उसने पूरा एग्रीगेटेड परसेंट पूछा है, कि मतलब एग्रीगेट परसेंट का मतलब होता है टोटल परसेंटेज क्या है। जैसे एक बात मैं आपको समझाता हूं, आपने अगर अभी हाई स्कूल का रिजल्ट आया, इंटर का रिजल्ट आया, तो सबने देखी होगी कि जैसे, मैं बस एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझा देता हूं, इंग्लिश है और मैथ्स है, एसएससी को ही ले लेते हैं भाई, बाहर में जान दो सबको,
भाड़ में जान दो सबको एसएससी को ही ले लेते हैं, रीजनिंग और जीके ये चार सब्जेक्ट होते हैं। मान के चलो चारों के 50-50 अंक के होते हैं ये, 50 अंक 50 अंक 50 अंक 50 अंक। इसका मतलब ये क्या है, 50 अंक 50 अंक 50 अंक क्या है, ये इन परीक्षाओं में 100% मार्क्स हैं। मतलब एक विद्यार्थी के इंग्लिश में 50 आए तो वो 100% प्राप्त करेगा, लेकिन मान के चलो उसके 30 आए, यहाँ पे 20 आए, यहाँ पे 40 आए, ऐसे करके आए 45 आए, तो ये एग्रीगेट परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि सभी को जोड़ लो और यहाँ पर टोटल पूर्णांक को जोड़ लो, कितना हो गया 200, और उस पर उसको कैलकुलेट कर लो, एग्रीगेट परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व नहीं करना है, अगर हमें परीक्षा के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नंबरों का रेशियो दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है, एक परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र निश्चित किए गए जिनके मैक्सिमम अंक 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि एक छात्र पहले प्रश्न पत्र में 50% प्राप्त करता है, दूसरे में 60% प्राप्त करता है, तीसरे में 40% प्राप्त करता है, तो उसने परीक्षा में कुल कितने अंक प्राप्त किए। मेरे कहने का मतलब अगर अलग अलग सब्जेक्टों में आपको परसेंटेज में मार्क्स देकर कुल पूछे जाए या कुल में देकर किसी एक में पूछा जाए, तो वहां पर आप भाग वाले टाइप से ही जाएंगे जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे भाई। तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पूर्णांकों का रेशियो लिखना है, तो 1:2:2, तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा 5, सबसे पहले रेशियो बनाना है। उसके बाद किस सब्जेक्ट में कितने परसेंट अंक प्राप्त किए उसको देखना है, तो पहले प्रश्न पत्र में 50%, तो पहले का पूर्णांक कितना है 1, तो 1 का 50% निकालेंगे, तो 1 × 50%, तो पहले प्रश्न पत्र में कितने अंक मिले, तो आप कहेंगे कि सर 50% मिले। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रश्न पत्र में 60%, तो दूसरे प्रश्न पत्र का रेशियो कितना है 2, उसमें 60% अंक प्राप्त कर रहा है, तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो 60 × 2 = 120%। ऐसे ही तीसरे प्रश्न पत्र में 40%, उसका पूर्णांक कितना है 2, तो 2 × 40%, तो कुल कितने परसेंट हो जाएंगे, 40×80%। इसका मतलब उसके टोटल कितने अंक हो गए ये निकालेंगे, 80 और 120, 200 और 50, तो 250%। और डिवाइड बाई भाग से डिवाइड करना ना भूले, मैंने बता चुका हूं, टाइप पढ़ा चुका हूं, ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 50%। इसीलिए तो वो चीजें आपको पहले बताई जाती है भाई, तो 50% बेटा कौन सी ऑप्शन पे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला टाइप मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, भाग वाला टाइप, ये जो है भाग वाला टाइप मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, उसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहां पर अगर किन्हीं भी सब्जेक्टों के पूर्णांकों का रेशियो दिया हो और टोटल हम निकाल ही लेंगे सभी को जोड़ के, उसके बाद इनमें परसेंटेज दिए हो सब में, पूछा है कि बताइए कुल परसेंटेज कितना परसेंट उसने प्राप्त किए, तो वो परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा जैसे ये रेशियो इसमें कितने परसेंट प्राप्त किए उसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस रेशियो में कितने परसेंट प्राप्त किए उसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कितने प्राप्त किए उसका, टोटल को ऐड कर लेंगे तो कुल 250% आ जाएगा। और कितने भागों में बांटना है, 5 में, 5 से भाग दे देंगे, इससे डिवाइड करना ना भूलें, आंसर आ जाएगा 50%। तो 50% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलें आगे, तो देखते हैं आज की क्लास का फिफ्थ क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे बेटा, पढ़ेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको हमेशा विद्यार्थी, सर आप परसेंटेज ही क्यों शुरू कर दो, सर आप यही क्यों पढ़ाते हो, बेटा आपके हिसाब से काम नहीं चलेगा। मैंने आपको पहले ही भाग वाला टाइप, इनिशियल, फाइनली क्यों कराए, इनको लास्ट में क्यों करा रहा हूं, क्योंकि उनका यूज इन सभी में है, इस वजह से इनको लास्ट में करा रहा हूं। जैसे कमीशन मैंने बाद में पढ़ाया, तो उसमें आपने देखा होगा भाग वाले टाइप से भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, इनिशियल फाइनल से भी, तो वो टाइप जो है ना वो एक नीम है जिसको हमें सबसे पहले रखना पड़ता है। पहले नीम बनाएंगे तभी तो बिल्डिंग खड़ी कर पाएंगे, अगर नीम ही नहीं बनाएंगे तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, और खड़ी कर भी ली तो वो गिर जाएगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी, ढह जाएगी। इसलिए मैंने आपको पहले सारी चीजें बताई। अब देखो, एक उम्मीदवार ने 55% प्रश्नों का उत्तर दिया। देखो किसी भी प्रश्न पत्र में 100% मतलब टोटल जो प्रश्न है वो 100% होते हैं, उसमें से उसने 55% का उत्तर दिया है। ठीक है, बात को ध्यान से समझना, इसका मतलब 55% क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे फिफ्थ का। उसने 55% का उत्तर दिया है, इसका मतलब 55% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं तो 11/20, इसका मतलब क्या है, 11/20 का मतलब क्या है, देखना बात को ध्यान से समझना। एक उम्मीदवार ने 55 प्रश्नों का उत्तर दिया, इसका मतलब ये 55% किस पे निकालेंगे, कुल प्रश्नों पर निकालेंगे। तो जब हम इस 55% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं ये तो आएगा रेशियो नीचे, और उसने कितनों का उत्तर दिया मतलब कितने का आंसर किया वो आएगा ऊपर रेशियो।
आंसर्ड, इसका मतलब उसने 11 रेशियो का उत्तर दिया, 9 का नहीं दिया और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 20 रेशियो बना लिया। अभी इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमें रेशियो बनाकर दिया था, यहां पर हमें रेशियो बनाना पड़ेगा। भाग वाले टाइप में मैंने बताया है आपको कि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बस आपको उसको समझना है। उसके बाद जिसमें 58% सही है, मतलब जो उत्तर दिए हैं ये इनमें 58% सही है, मल्टीप्लाई 58%, ठीक है। उसके बाद तो शेष प्रश्नों का उत्तर कितने प्रतिशत देना चाहिए ताकि उसे 40% परीक्षा में अंक मिले, मतलब कुल 40% मिले। इसका मतलब अब यहां पर हमें टोटल प्राप्त अंक दिया है 40% और यहां पर पूछा कि कितने परसेंट, तो बात तो वही हो गई, बात तो वही हो गई, तो 4 × 2 = 800% हो गया भाई, 800% चाहिए। यहां पर कितना मिल रहा है, तो यहां पर 11, 8, 88, 8, 55 और 8 कितना हो गया 638% मिल रहा है। बाकी का कहां से मिलेगा, यहां से। तो देखो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि इधर वाली साइड में परसेंटेज देकर इसमें पूछा था, तो मैंने सबको जोड़ दिया, लेकिन आप आपको कभी भी रटना नहीं है, समझना है इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है। अब हमें ये निकालना है, ये वाली चीज निकालनी है, तो ये वाली चीज कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटाना पड़ेगा तभी तो ये वाली चीज निकल के आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब 800% में से 638% को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आ जाएगा और 7 में से 6 जाएगा 162%। और कितने भाग में, 9 भाग से डिवाइड करना ना भूलें, 9 से भाग देंगे तो 9 से कितने बार जाएगा प्यारे विद्यार्थी, एक बार, 9 × 8 = 72, तो आंसर कितना आ जाएगा 18%। इसका मतलब इन 9 प्रश्नों में से 18% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे तो इसके टोटल 40% अंक हो जाएंगे और ये आगे हमारा 18% सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है बात। तो जब कभी भी इस भाग पर आधारित क्वेश्चन आएगा तो ये टाइप में पीछे आपको करा चुका हूं, पहले मैंने क्या किया, पहले रेशियो बनाया कि उसने कहा है 55% प्रश्नों का उत्तर दिया, उसने कहा है 55% प्रश्नों का उत्तर दिया, तो मैंने पहले ये देखा कि 55% की फ्रैक्शन वैल्यू बनाकर के कितनों का उत्तर इसने दे दिया है और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 20 क्वेश्चन में से 11 का दे दिया तो बचे कितने, 9। यहां पर उसने 58% अंक प्राप्त कर लिए तो 11 में 58% तो कितने परसेंट हो गए, 638%। यहां पर इसने 40% अंक प्राप्त किए तो कितने हो गए, टोटल 800%। इसका मतलब 800% टोटल अंक चाहिए तो बाकी कहां से लेगा, यहां से, तो बाकी कितने 162% यहां से लेगा, ये 162% ये वाली वैल्यू है ये। अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 162 हो जाए मान के चलो x का, तो 9/2 में चला जाएगा, इसलिए 9 से भाग देते हैं। अगर किसी विद्यार्थी को ये डाउट हो रहा हो सर भाग से भाग क्यों देते हैं, जैसे 9 से भाग दिया पिछले वाले क्वेश्चन में, हमने टोटल वैल्यू 5 से भाग दिया था, वो इसलिए देते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि 162 ये जो वैल्यू आई है ये नीचे वाली आई है मल्टीप्लाई करने के बाद, हमें निकालना है कि यहां पे कितने का मल्टीप्लाई करें, तो उसके लिए 9 से भाग देना पड़ेगा तो कितना आएगा 18%, 18 × 9 = 162%, ठीक है। टाइप पीछे पढ़ा चुका हूं तो इसमें परेशानी आपको आनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज की क्लास का 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन लगाएंगे, जरा देखो बेटा समझेंगे पढ़ेंगे करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, फेल पास पर क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। देखो एक परीक्षा में लड़कियों और लड़कों के न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत 30% 45% है, एक लड़का 280 अंक हासिल करता है और 80 अंक से फेल हो जाता है, तो कितने अधिक अंक एक लड़की को प्राप्त करने पड़े या उसने 118 अंक प्राप्त किए। देखो भाई 6th क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई, बॉय बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बॉयज का उत्तीर्ण अंक कितना है, 3%, लड़कियों का 30% है और बॉयज का 45% है। इसका मतलब एक लड़के को अगर पास होना है तो उसे परीक्षा में 45% अंक प्राप्त करने होंगे और अगर लड़की को पास होना है तो उसे परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है, बात को ध्यान से समझना। उसके बाद एक लड़का 280 अंक हासिल करता है, एक लड़का 280 अंक हासिल करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब 280 अंक 45% के बराबर नहीं होंगे, मतलब एक लड़का 280 अंक प्राप्त करता है। देखो बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, यही समझने वाली बात है, 280 अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब वो पास नहीं हुआ, मतलब अगर एक लड़का 280 अंक प्राप्त करता है तो वो पास नहीं होता है, और जबकि पास का परसेंट कितना है 45%, इसका मतलब 280 मार्क्स 45% से कम है, लेकिन वो कितने अंकों से फेल हो जाता है ये दिया है, 80 अंकों से फेल हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि उसने 280 अंक प्राप्त किए हैं और 80 अंकों से फेल हो गया है, इसका मतलब अगर उस विद्यार्थी के
80 अंक अधिक और आ जाते तो वो पास हो जाता। इसका मतलब एक लड़के को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो दोनों को ऐड कर देंगे 0, 8 और 16 6, 360 अंक एक लड़के को पास होने के लिए चाहिए। और परसेंटेज में कितने चाहिए, 45%। और मार्क्स कितने चाहिए, 360। इसका मतलब इस 45% का मान 360 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स हैं, ये पासिंग परसेंटेज है, तो दोनों समान चीजें हैं तो बराबर रख सकते हैं। इसका मतलब 45% का मान बराबर हो जाएगा 360 के। 45 से इसको कैंसिल करेंगे तो 8 बार कट जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 8 के। ठीक है, 1% की वैल्यू 8। इसका मतलब लड़की को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो मल्टीप्लाई 8। क्यों, क्योंकि 1% का मान 8 है, तो 30% का कितना हो जाएगा, तो एक लड़की को पास होने के लिए 240 मार्क्स चाहिए, लेकिन मिले कितने उसको, 118 है, तो उसको कितने अंक और चाहिए ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 में से जो उसे अंक मिले उस 118 को घटा देंगे, तो 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, और 122 अंक और एक लड़की को मिल जाते तो पास हो जाती। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए। उसने यही पूछा था, तो कितने अधिक अंक एक लड़की को प्राप्त करने होंगे यदि उसे 118 अंक प्राप्त होते, मतलब लड़की को 118 तो मिले हैं, वो कितने और अंक प्राप्त करती कि पास हो जाती, तो पास होने के लिए लड़की को कितने अंक चाहिए, 240, और 118 उसने ऑलरेडी प्राप्त कर लिए, तो कितने और प्राप्त करने पड़ेंगे, 122। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बहुत आसानी से कर लिया, क्योंकि 1% का मान निकालने के लिए हमें ये चीज दी थी। बस भाषा अगर आपकी समझ में आ गई ना, तो इन क्वेश्चनों को करना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, देखो आज की क्लास का 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन बोर्ड पे लगाएंगे जरा। देखो बेटा 7th क्वेश्चन समझेंगे, परसेंटेज आपकी बिल्कुल खत्म होने वाली है, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से धीरे धीरे खत्म कर लेंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 हैं, पी ने क्यू से 10% कम अंक प्राप्त किए, क्यू ने आर से 25% अधिक अंक प्राप्त किए, आर तथा एस ने 20% कम अंक प्राप्त किए, यदि पी ने 360 अंक प्राप्त किए तो ज्ञात कीजिए एस ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अधिकतम अंक कितने हैं, 500। इसका मतलब ये क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हिंदी में बात करें तो पूर्णांक, तो मैक्सिमम मार्क्स इस परीक्षा के कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों, 500। अब उसके बाद हम, हमारे पास वही चीज आ गई, पी ने क्यू से 10% कम, 10% कम, बिल्कुल बात को ध्यान से समझना भाई, 10% कम, तो -10% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर 9/10 बनेगा, कहना भी चाहिए, क्योंकि बहुत चीजें आपको पीछे समझा चुका हूं, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो विद्यार्थी ये चीज नहीं समझ पा रहा, वो पहले वाला फ्रैक्शन का वीडियो देखे तो उसको समझ में आ जाएगा, 9/10। अब कंपैरिजन देखेंगे किसका, पी ने क्यू से, मतलब पी का कंपैरिजन क्यू से हो रहा है, तो जिससे हो रहा होता है वो मान नीचे, मतलब क्यू का मान नीचे और पी का मान ऊपर, बात को ध्यान से समझना। फिर उसके बाद क्यू ने आर से 25% अधिक, 25% अधिक, तो +25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी भाई, तो आप कहेंगे सर 5/4। किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है, क्यू ने आर से, क्यू ने आर से, इसका मतलब आर का रेशियो नीचे और क्यू का रेशियो ऊपर। उसके बाद आर तथा आर ने एस से 20% कम, 20% कम का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 4/5। किसने, तो उसने कहा है आर तथा, आर तथा आर ने एस से, इस तथा को हटा दो, आर ने एस से 20% कम, इसका मतलब आर ऊपर और एस नीचे, ठीक है, तो इसका मतलब आर का रेशियो ये और एस का रेशियो नीचे, ये सभी के प्राप्तांक अंक का रेशियो आ गया। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले क्या करते हैं, फिर उसके बाद रेशियो को कंबाइन करते हैं। देखो यहां पर भी आर का रेशियो 4, यहां पर भी आर का 4, इसका मतलब ये दोनों रेशियो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर क्यू का 10 और यहां पर क्यू का 5, ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो समान करने के लिए इसको 10 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा, तो 2 का यहां भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे रेशियो में करते हैं, जब 2 का यहां करेंगे तो 2 का यहां भी करना पड़ेगा, 2 का यहां भी करना पड़ेगा, तो सभी के द्वारा प्राप्तांक अंक का रेशियो हमारे पास आ गया, सभी के द्वारा, पी क्यू आर एस के द्वारा, अगर पी क्यू आर एस के द्वारा प्राप्तांक अंकों का रेशियो निकालेंगे तो पी रेशियो क्यू रेशियो
आर रेशियो एस कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, पी का रेशियो हो जाएगा 9, क्यू का रेशियो हो जाएगा 10, आर का रेशियो कितना हो जाएगा 4, 4 दुनी 8 और एस का कितना हो जाएगा 5 दुनी 10, ये हो गया। उसके बाद एक रेशियो का मान निकालने के लिए पी के अंक दिए, पी ने 360 प्राप्त किए, इसका मतलब पी का रेशियो कितना है 9, 9 रेशियो का मान बराबर है 360 अंक के, 360 अंक के बराबर है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा 40, 9 चौक 36, 40 हो जाएगा। उसके बाद पूछा क्या है एस ने, तो एस का कितना है 10, 10 रेशियो का मान निकालेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 40, तो एस ने कितने प्राप्त किए 400 अंक, एस के प्राप्त किए 40 अंक, लेकिन उसने अंक नहीं पूछे, उसने पूछा कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, तो एस ने 400 अंक प्राप्त किए और कितने में से 500 में से, तो परसेंटेज मार्क्स निकालेंगे, एस के परसेंटेज मार्क्स निकालेंगे, तो एस ने प्राप्त कितने किए 400, कितने में से 500 में से और मल्टीप्लाई 100, तो देखो कितना आ गया, तो ये आ गया आंसर 80%, तो 80% कौन से ऑप्शन पे, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सब में परसेंटेज निकालो क्योंकि परसेंटेज मार्क्स पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, तो आंसर कितना हो जाएगा 80% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो कंडीशंस दी थी, टोटल मार्क्स हमें दिए थे मैक्सिमम, उसके बाद जो कंडीशन दी थी उससे पी क्यू आर एस का रेशियो बना लिया, पी का 9 आया जिसका मान 360 मार्क्स दिया, एक रेशियो का मान 40 हो गया, एस के निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 40 400 हो गया, अगर आर का निकालते तो मल्टीप्लाई 40 320 अंक हो जाते, इसका निकालते तो 400 हो जाते, फिर लेकिन उसने पूछा था कि एस को कितने परसेंट मिले, तो उसको मैंने क्लास शुरू करने से ही पहले बताया था कि परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालते हैं, कितने मार्क्स प्राप्त किए वो ऊपर, कितने में से प्राप्त किए वो नीचे मल्टीप्लाई 100, तो एस ने कितने अंक प्राप्त किए 400, कितने में से 500 में से वो नीचे मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया 80%। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलें आगे, तो देखो आज की क्लास का 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन लगाएंगे जरा स्क्रीन पे पढ़ेंगे भैया, सभी पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, कोशिश करने से ही कुछ मिलेगा भाई, बिना कोशिश करे कुछ नहीं मिलेगा, कोशिश करने से सब कुछ मिलेगा। देखो एक परीक्षा में 80 अंक हैं, एक परीक्षा में 80 अंक हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक मिलता है, अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में से 35% के सही जवाब देती है, अन्य 40 प्रश्नों में परीक्षा में 75% स्कोर करने के लिए कितने सही उत्तर देने आवश्यक है, फिर से वही आ गया जो पीछे पढ़ा है, वही आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है परीक्षा के अंक कितने हैं, आंसर किसमें पूछा है, उत्तर देने के लिए स्कोर करने के लिए कितने 75% स्कोर करने के लिए, अन्य 40 प्रश्नों में से, देखो अर्पिता पहले 40 प्रश्नों में से 65% से जवाब देती है, अन्य 40 प्रश्नों में से परीक्षा में 75% स्कोर करने के लिए, मतलब अब इन बाद वाले 40 प्रश्नों में से कितने परसेंट के आंसर दे कि टोटल स्कोर उसका 75% हो जाए, ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन। ठीक है, पहले कितने प्रश्नों का आंसर दे रही है भाई 40 का, और बाद में भी कितने प्रश्न है 40, देखना सबसे पहले क्या करते हैं रेशियो बनाते हैं, रेशियो बनाएंगे, कौन सा क्वेश्चन है 8, तो 40 प्रश्नों का पहले उत्तर दे रही है, बाद में 40 बच रहे हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 80, रेशियो बना लेंगे 40 से कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो बन जाएगा हमारा 1:1 और बराबर 2, अब देख लो कहां से कितने परसेंट प्राप्त किए, तो पहले 40 में 65%, तो मल्टीप्लाई 65%, तो यहां से कितने मिल जाएंगे उसको 65%, ये पहचानता कैसे हूं मैं कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, ये जो आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाई करना है वो आप पे आना चाहिए, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, मुझे ये पता लग जाता है कि ये अलग अलग प्रश्नों की संख्या दी है, उसमें से परसेंटेज दिया है, तो हमें किसी एक का निकालना है, तो वो पार्ट वाले भाग वाले टाइप से जाते हैं, ये हमें पता लग जाना चाहिए। देखती तो यहां पे 40 प्रश्नों में 65% के दिए, बाकी 40 में पूछा, मतलब यहां पूछा है, और टोटल कितने परसेंट प्राप्त करना है 65% स्कोर करना है, 75% स्कोर करना है, तो 75 दूनी कितना हो गया बेटा 150% चाहिए, 150% में से 65% ही यहां से प्राप्त कर सका है, तो बाकी कहां से प्राप्त करेगा, यहां से, तो यहां से कितने प्राप्त करने पड़ेंगे, उसके लिए 150 में से 65 को हटाना पड़ेगा, तो कितने प्राप्त करेगा, तो आ जाएगा यहां पर 85% प्राप्त करने पड़ेंगे, और एक भाग से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर हो जाएगा 85%, कौन से ऑप्शन पे दिया है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस हो गया क्वेश्चन, भाग वाला है पीछे बता चुका हूं, उसी पर आधारित क्वेश्चन है, 85% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल क्लियर चीजें समझ में, अगर नहीं आती है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें 80 अंक की बात कर रहा था और एक
एक पर एक ही अंक मिल रहा था, तो 80 प्रश्न होंगे, सीधी सी बात है। 40 प्रश्नों में 65% अंक उसने प्राप्त कर लिए, इसका मतलब एक अंक का क्वेश्चन है तो यहां पर 65% प्राप्त कर लिए। बाकी 40 में बता रहा था कि कितने परसेंट प्राप्त करे कि परीक्षा में उसका स्कोर 75% हो जाए, तो 40, 40 और 80 यही तो बन गया, 112 का रेशियो बन गया। यहां पर 65% प्राप्त किए तो 65% यहां से मिल गए, टोटल कितने चाहिए 150%, तो बाकी कहां से लेने पड़ेंगे, यहां से, तो यहां से कितने लेने पड़ेंगे, 150 में से 6 को माइनस करेंगे तो 85% अंक लेने पड़ेंगे यहां से, तो मल्टीप्लाई 85 करना पड़ेगा तभी तो 85 आएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 85%। ठीक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम मिलेंगे आपसे परीक्षा से रिलेटेड और क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। देखो 9th क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन लगाएंगे स्क्रीन पे, 9th क्वेश्चन देखो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ परीक्षा से रिलेटेड। ठीक है, देखो n प्रश्नों की एक परीक्षा में छात्र ने पहले 20 प्रश्नों में से ये 15 सही ढंग से जवाब दिया, शेष प्रश्नों में से उन्होंने एक तिहाई सही तरीके से उत्तर दिया, सभी प्रश्नों का एक ही क्रेडिट होता है, अगर छात्र को 50% अंक प्राप्त होते तो n का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करने की कोशिश करेंगे भाई 9th क्वेश्चन को। इसने कहा एन प्रश्नों की एक परीक्षा में छात्र ने पहले 20 प्रश्नों में ये 15 सही ढंग से जवाब दिए, शेष प्रश्नों में से उन्होंने एक तिहाई सही तरीके से उत्तर दिए, तो सभी प्रश्नों का ही क्रेडिट होता है, तो अगर छात्र ने 50% अंक प्राप्त किए हो तो एन का मान ज्ञात करो। तो देखो 20 में से 15 का सही ढंग से जवाब दिया है, इसका मतलब एक ही क्रेडिट है, तो 15 क्वेश्चन तो यहां सही हो गए। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, एक ही लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कितने बचे, n माइनस 20, 20 के तो जवाब दे दिए, इस n माइनस 20 में इसने एक तिहाई का सही जवाब दिया है, तो बट्टे एक तिहाई हो गए सही जवाब, इसका मतलब ये करेक्ट क्वेश्चन हो गए। करेक्ट क्वेश्चनों के कितने आंसर दिए, इसने कहा अगर छात्र को 50% अंक प्राप्त होते हैं, इसका मतलब उसे टोटल 50% अंक प्राप्त करने के लिए आधे प्रश्नों का सही उत्तर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो ये सही उत्तर और ये भी सही उत्तर तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, होने चाहिए, तो चलते हैं 15 प्लस ये क्या हो जाएगा n बाय 3 और माइनस 20/3 की वैल्यू बराबर हो जाएगी n/2, n/2 को n/3 को इधर लेके जाइए और इसको इधर रहने दीजिए, 15 - 20/3 बराबर हो जाएगा n/2 - n/3। ठीक है, तो यहां से 15 = 45 में से 20 जाएगा तो इधर आ जाएगा 25/3, यहां करेंगे तो 3 × 2 = 6, 3n - 2n, 3n - 2n, और इसकी जगह पर मात्र क्या आ जाएगा, ओनली n/6, 3 से कैंसिल करेंगे दो बार, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो प्रश्नों की संख्या n दुनी कितना आ जाएगा, 25 × 50, उसने n का मान पूछा था कितना आ गया प्यारे विद्यार्थियों, 50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, करने की कोशिश करनी है और कुछ नहीं करना है। ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी प्रकार से, आज हमने एग्जाम से रिलेटेड 9 क्वेश्चन देखे हैं, आगे की क्लास में फिर से हम एग्जाम से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद बेटा हम परसेंटेज से मिसलेनियस टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे और सीट को आपको सॉल्व कराएंगे, परसेंटेज आपकी जो है खत्म हो जाएगी। यहां से आगे बेटा जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आज हमने कराए हैं, इसकी एक और क्लास होगी, उसके बाद आपकी वेन डायग्राम की दो क्लास होंगी, मतलब 3 क्लास, उसके बाद फिर आपकी लगातार परसेंटेज की प्रैक्टिस तो चलेगी साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस चालू कर देंगे, लाभ हानि चालू कर देंगे, ऐसे धीरे धीरे सारे टॉपिकों को हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, यहां से आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, सही रहें, ठीक है, बाय बाय।